जिसमें विश्वास सारंग ने बहुत कटौती करके रखी है। उन्होंने एक तो जितने भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीते हैं उनको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है, उनके सारे अधिकार छीन करके अपने पास जो है उनको बंधक बना के रखा है। नाली बनाना है तो सारंग से पूछो, गली बनाना है तो सारंग से पूछो, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा तो पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सारंग से पूछो, बिजली आ रही है अगर तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसका मतभेद सारंग से है तो बिजली कट जाएगी, प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। तो विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को विश्वास सारंग ने 10 साल लगातार धोखा दिया है। मैं देख रहा हूँ कि गलियों में आज वही बदस्तूर हालत है जो आज से 8-10 साल पहले थी। कुछ जगहों पर जरूर उन्होंने काम करने की कोशिश की है और वो भी मैं समझता हूँ कि उनके ठेकेदारों ने जो गुणवत्ता के आधार पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसमें भी कमीशनबाजी हुई है और इसमें विधायक जी का भी बहुत बड़ा रोल मुझे समझ में आता है। तो कुल मिला के हाहाकार मचा हुआ है, डर और भय का वातावरण है। यूँ एक सट्टे के बोलबाला ने आम आदमी को दहशत में कर रखा है, गुंडे और अड़ीबाजों की फौज है उनके साथ, वो जनता को डरा करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं, ये संविधान के तहत जो हमें मूलभूत अधिकार मिले हैं हम उनकी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।